भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गांव की सड़क, आजादी के 73 वर्ष बाद भी सड़क न बन पाने पर ग्रामीणों ने धान रोप जता रहे विरोध। रीवा जिले में आए दिन सड़क समस्या निरंतर सामने आ रही, जहां पर एक बार पुनः गंगे जनपद की मणिखुर्द पंचायत के ग्राम खराना के, जहां पर आजादी के 73 वर्ष होने के बाद यहां की जनता सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। सड़क की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण बरसात के आते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। यह भी नहीं है कि शासन द्वारा सड़क की पहल नहीं की गई। इस निर्माण कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा कई बार लाखों एवं करोड़ों रुपए भी निकाले गए, किंतु भ्रष्टाचार चलते अभी तक सड़क निर्माण नहीं कराया जा सका, जिसके कारण सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विधायक मोहम्मदाबाद के नारे लगाते हुए प्रस्तावित सड़क पर धान का रोपण कर अपना विरोध जता रहे हैं। प्रस्तुत एक झलक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी से जानकारी के अनुसार। हम खराना की ही रोड के विषय में नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की हम रोड के विषय में कहना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो चलने लायक नहीं है। पंचायती क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है और जो राशि आती है उसका बंदरबाट हो रहा है। खराना के विषय में एक विशेष बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये सड़क ली गई थी और ये सड़क बनाई जानी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों रुपए निकालने के बाद भी सड़क में कोई कार्य नहीं किया हुआ है। तो ग्रामीणों ने इसकी मांग की, जांच की मांग की कि आखिर ये पैसा जो निकला वो कहां गया, क्यों उनकी सड़क नहीं बन रही है। मणिखुर्द की पंचायत का मामला है, गंगे जनपद की रीवा में खराना ग्राम है। खराना ग्राम की सड़क की स्थिति आज आपने देखी कि किस तरह से लोग उसमें रोपा लगा रहे थे। ग्रामीणों ने हमें सूचित किया, बोले कि आप आए कुछ हमारी मदद करें इसमें, हमारे मुद्दे को। तो एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है, उसमें बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग भेद, बिना किसी जन्म स्थान की व्यक्ति ग्राम में पैदा हुआ है कि शहर में पैदा हुआ है, छोटी जगह पैदा हुआ कि बड़ी जगह पर पैदा, किसी बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। तो आखिर सरकार ने शहरी कारपोरेट और ग्रामीण पिछड़े को बांट करके क्यों रखा हुआ है? तो सबसे बड़ा ये संविधान का उल्लंघन है। आज 72 साल बाद भी लोगों को सड़क नहीं मिल पाई है चलने योग्य, तो बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ग्रामीणों ने वही आक्रोश दर्ज की आज वहां पर हम जब गए तो वो नारे लगा रहे थे, विधायक सांसद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। स्वाभाविक है, उनका दोष नहीं है इसमें, क्योंकि उनको 72 साल से यदि ये स्थिति बनी हुई है आज, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसमें से सड़क, भोजन, आवास, ये सब मूलभूत अधिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसका घोर उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय में देखना चाहिए कि जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की वो लोगों के चलने लायक हों, लोगों को परेशानी ना हो, बुजुर्गों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, स्कूल जाने वाले बच्चों में राइट टू एजुकेशन का भी एक उल्लंघन है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे ऐसी सड़कों से पार करके तो क्या मतलब हुआ। आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी है, क्योंकि महिलाएं, डिलीवरी का केस है तो कैसे उनको एम्बुलेंस आएगी, कैसे उनका इलाज होगा, बुजुर्ग कैसे, आपने देखा कि एक बुजुर्ग किस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बीच सड़क में। तो ये सब चिंतनीय विषय है, और आज 72 साल बाद भी यदि हमारे ग्राम के लोगों को सड़कें नहीं मिल पाई हैं तो हम सबके लिए बेहद शर्मनाक है।